हमने बेटा हमने कहा जो प्लांट्स है इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर चीफ फैक्ट्रीज ऑफ नेचर। इनको हम और क्या बोल सकते हैं, दीज आर ट्रांसड्यूसर्स। व्हाई ट्रांसड्यूसर्स, बिकॉज दे कन्वर्ट यू नो केमिकल्स ऑफ नेचर। इनटू बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस। कैसे? दे टेक वॉटर मिनरल्स देन लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे सिंथेसाइज वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो हम कह सकते हैं कि दे कन्वर्ट नॉन लिविंग मैटर इनटू लिविंग मैटर। सिर्फ ये प्लांट्स में एबिलिटी है कि वो नॉन लिविंग मैटर को लिविंग मैटर में कन्वर्ट कर सके। तो हमने क्या बात की है, हमने वाटर की बात कर ली कि वाटर किस लिए चाहिए, व्हाई वाटर इज असेंशियल फॉर प्लांट्स। ये मैंने पहले भी बताया था, मैं दोबारा से बता रही हूं कि क्या है। फर्स्ट है वाटर मेक्स प्लांट सेल्स टर्जेट एंड टू मेंटेन देयर शेप वाटर इज असेंशियल। वाटर फॉर्म्स 70 to 90% ऑफ प्रोटोप्लास्ट। सेल के अंदर वाटर क्या करता है, वाटर एक्ट्स एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर प्रोवाइड्स मीडियम फॉर वेरियस रिएक्शंस। वाटर हेल्प्स इन जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। एंजाइम्स गेट एक्टिवेटेड ओनली इन हाइड्रेटेड सेल्स। जो वॉटर है, वॉटर एक्ट्स एज टेम्परेचर एंड पीएच बफर। बफर होता है विच इनहिबिट्स, विच स्लोज डाउन एनी चेंज। तो वो टेम्परेचर ज्यादा चेंज नहीं होने देता, पीएच जल्दी से चेंज होने नहीं देता, तो इट एक्ट्स एज टेम्परेचर एंड पीएच बफर्स।
ठीक है, तो ये वॉटर। एक हम और बताएंगे, यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ वॉटर। सबसे पहले, नहीं तो हम ना कोई वैक्स ले लो, वैक्स इतनी सारी लो लिक्विड, और जब उसको सॉलिडिफाई करो तो इतनी सी वैक्स बचे। तो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस दे कॉन्ट्रैक्ट ऑन सॉलिडिफिकेशन, बट वॉटर का ऑपोजिट है, वॉटर एक्सपैंड्स ऑन सॉलिडिफिकेशन। ऐसा क्यों? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एज वॉटर हैज एयर स्पेसेस, देयरफॉर आइस इज, आइस सॉलिड वॉटर है, आइस इज लाइटर देन वॉटर एंड फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ वॉटर। इसी कारण से ओनली अपर लेयर्स ऑफ वॉटर ऑफ लेक्स फ्रीज इन विंटर्स इन कोल्डर रीजन्स, क्योंकि आइस जो है वो हल्की होती है, ऊपर आती रहती आती रहती, तो अपर लेयर्स जो है वो फ्रीज करती है। वॉटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4°C, द वॉटर इज लिक्विड एट 4°C, 0° या -° में फ्रीज करता है, 4° पे वो लिक्विड रहता है। देयरफॉर इन फ्रोजन लेक्स जो अपर लेयर्स है, मैंने पहले भी बताया अपर लेयर्स फ्रीज, बट जो लोअर लेयर्स है आर लिक्विड हैविंग टेम्परेचर ऑफ 4°C विच सपोर्ट्स एक्वेटिक लाइफ। ठीक है जी, ये कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज है वॉटर, करो ये नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में सबसे पहले आ जाता है मिनरल्स एंड नॉन मिनरल्स। मिनरल्स आर दोज विच आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सॉइल। Non-minerals are those which are absorbed from air mainly. तो इसमें से non-minerals में example mainly आ जाएगा
कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, बाकी सब मिनरल. देन सच एज मैग्नीशियम, मैग्नीज, सोडियम, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा. अभी हम करेंगे जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, दे कैन फर्दर बी कैटेगराइज्ड एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स which are absorbed in large amount and their concentration, क्योंकि ये ज्यादा है plants में, their concentration is more in dry matter of plants. Whereas micronutrients are those which are found in traces in plants. Macronutrients कौन कौन से है? मैंने इस तरह से याद किया हुआ है, चौन, पक्स, कैफे. महंगा है. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, दीज आर यू नो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. वेयर एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कॉपर, देन मैग्नीज, देन जिंक, then boron, then sodium. These are some of the micronutrients. मैं अभी और भी बता दूंगी, शायद silica भी है इसमें, plants में there is present silica also. ठीक है जी, so these are micronutrients. उसके बाद inorganic nutrients ये फर्दर दो टाइप के हैं, असेंशियल, नॉन असेंशियल. असेंशियल कौन से है बेटा? असेंशियल को कैटेगराइज करने के लिए दे फॉर्म स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द प्लांट से, जैसे कैल्शियम हो या फिर दे टेक पार्ट इन फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस. Deficiency of essential element produce deficiency symptoms. Then they cannot be replaced by any other element. ये सब है essential elements. और ये जब यहां पे थोड़ा सा लिख लेना, मैंने यहां पे बात किया है essential inorganic nutrients. ये कौन कौन से है? तो यहां पे एक और आ जाता है मरकरी.
right? So inorganic nutrients can be essential, can be non-essential. पहले ये लिखो, पहले तो बेटा ये ऐड कर लेना, मैंने ये बताया कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने हैं, माइक्रो कितना है, इसके बाद यहाँ पे मैंने जिंक लिखवाया था या मॉलिब्डेनम, और इसको सर्कल कर लेना बिकॉज ये जो है असेंशियल फॉर सम प्लांट्स ओनली, बाकी जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एक और आ जाता है, देयर आर, मैं देखती हूँ कौन सा है, देयर आर 17 असेंशियल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट of plants. ठीक है जी, ये कर लो, ठीक है, तो 10 ये हो गए और 7 ये हो गए. यहां पे लिख लो, एक पॉइंट लिखिए, जो आयरन है, आयरन इज इंटरमीडिएट बिटवीन, आयरन इज इंटरमीडिएट बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बिकॉज इट्स अमाउंट रिक्वायर्ड इज मोर देन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बट लेस देन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. तो ये दोनों में हम कर लेते हैं, आयरन मोर देन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बट लेस देन अदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, बट यहाँ पे स्टार डाल के, ऑल्दो हमने मैक्रो में लिखा हुआ है बट फिर भी स्टार डाल के लिख लो, बट मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट्स, बट मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट्स regard it as micronutrients, micronutrients. Next आ जाता है बेटा, sodium, silicon. सोडियम सिलिकॉन कोबाल्ट एंड सिलीनियम, आर बेनिफिशियल इन सम ऑफ द हायर प्लांट्स ओनली, in some of the higher plants only. Next आ जाता है, अब जो बेटा ये micronutrients है, आप कहो कि अंधाधुंध डाल दो सॉइल में, यूज होते रहेंगे, थोड़े थोड़े अब्सॉर्ब होते रहेंगे बहुत टाइम तक रहेंगे, बट नहीं, अगर micronutrient की कंसेंट्रेशन सॉइल में ज्यादा हो जाएगी तो दे कॉज टॉक्सिसिटी टू द प्लांट्स, ठीक है, वो बेनिफिशियल नहीं रहेगी, वो इनफैक्ट हार्मफुल रहेगी. तो यहां पे पॉइंट लिखिए कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट and if their concentration is increased, beyond specific concentrations,
or beyond their optimum concentration, then they cause toxicity. Then they cause toxicity. वो beneficial नहीं रहेगी, वो toxic हो जाए. Next point लिखिए. Therefore, there is a narrow range of concentration. एक range है, छोटी सी range है. There is a narrow range of concentration of micronutrients. Which is helpful in optimum growth of plants. Which is helpful in optimum growth of the plants. Next point hai. The amount of the concentration of micronutrient is regarded as toxic. कि ये concentration toxic है. Is regarded as toxic concentration. वो plant growth तो inhibit कर रही है, but कुछ तो measure होगा. कब पता चलेगा हमें कि ये toxic है? Is considered as toxic concentration when it reduces the dry weight of the plant by 10%. When it reduces the dry weight of the plant by 10% or more. जब plant का dry weight 10% से कम शुरू हो जाए, obviously toxic concentration वो है जो प्लांट के लिए टॉक्सिक हो, जो पॉइजनस हो, जो इनहिबिटर हो. प्लांट की ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी. हमने लेट अस से दो प्लांट्स लिए, राइट? हमने दो प्लांट्स लिए, प्लांट ए, प्लांट बी. इसमें हमने मोलिब्डेनम एक्स मोल्स डाल दिए और इसमें मोलिब्डेनम हमने वाई मोल्स डाल दिए. वाई इज मोर देन एक्स. यहां पे ड्राई वेट ऑफ हम कह देते हैं 5 लीव्स. अगर हम कहें हमने स्पेसिफिकली 5 लीव्स लिए, उसके लेट अस से 10 या 100 ग्राम्स आ, और हमने प्लांट बी के ड्राई वेट ऑफ 5 लीव्स की जगह हमने लीव्स लिए, तो ड्राई वेट 80 टू 90 के बीच में है. ठीक है, तो 10% जो है वो डिक्रीज हो गया वेट. तो हम क्या कहेंगे कि वाई कंसेंट्रेशन ऑफ मोलिब्डेनम इज टॉक्सिक फॉर प्लांट्स. जनरली, ध्यान से मेरी बात सुनो, जनरली micronutrients are required in small amounts. Therefore, their deficiency is less. इनकी deficiency कम ही देखने को मिलती है, except
इफ दे आर नॉट एडेड इन सॉइल फ्रॉम ए लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टाइम से हमने इनको सॉइल में डाला ही नहीं बिल्कुल, तब हमें डेफिशिएंसी मिलती है. अगर थोड़ा 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 डालते रहेंगे तो हमें डेफिशिएंसी इनकी नहीं मिलेगी. राइट, नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन. व्हाट इज एक आ जाता है, व्हाट इज क्रिटिकल कंसंट्रेशन. ये किसी भी न्यूट्रिएंट की हो सकती है. स्टार डाल के पॉइंट लिखना. क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ ए न्यूट्रिएंट. ये बेटा कोई भी न्यूट्रिएंट है, लेट अस से ये कंसंट्रेशन है एसेंशियल न्यूट्रिएंट की इन सॉइल. हमने इसकी कंसंट्रेशन यहां थोड़ी कर दी, ग्रोथ जो है वो नॉर्मल. हमने इसकी कंसंट्रेशन और थोड़ी कर दी, यहां भी ग्रोथ नॉर्मल है. हमने इसकी कंसंट्रेशन यहां भी ग्रोथ नॉर्मल है, बट जैसे ही इससे थोड़ी कम की देन डेफिशिएंसी सेंटर. तो ये जो है दिस इज क्रिटिकल कंसंट्रेशन. क्रिटिकल कंसंट्रेशन वो एक पॉइंट है जिससे थोड़ी सी कम की तो आपकी, जैसे आजकल कोविड टाइम्स में सबकी जो है ना वो सैलरीज कम हो रही है, वो कहते हैं इतनी आधी कर दो जी. चलो लोग कहते हैं भी कोई बात नहीं, हम इससे भी गुजारा कर लेंगे. अब इससे 10% और कम कर दो, बट एक ऐसा क्रिटिकल कंसंट्रेशन हो जाएगी जिससे अगर 100-200 रुपए भी कम हुए तो हमारी हेल्थ को, हमारे खर्चों पे, जो हमारी एसेंशियल कमोडिटीज है उस पे जो है वो रोक लग जाए. हम धीरे 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 हम जाए सिर्फ जरूरी चीजों पे, बट अगर इससे कम कर देंगे तो हमारा गुजारा बिल्कुल नहीं चलेगा. यही हाल प्लांट में भी है. अगर इतनी, ये जनरली हम बात कर रहे हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट या किसी की भी, इतनी कंसंट्रेशन प्लांट ठीक ग्रो कर रहा है, इतनी तब भी ठीक है, इतनी तब भी, बट यहाँ से इतनी तो चाहिए ही चाहिए है. इससे कम अगर होगा तो प्लांट डेफिशिएंसी सिम्टम शो करे. तो हम कहेंगे क्रिटिकल कंसंट्रेशन इट इज दैट कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, किसी कोई भी, चाहे वो मैक्रो है चाहे माइक्रो है, बिलो विच द प्लांट शोज डेफिशिएंसी सिम्टम्स. So in above figure, कुछ भी concentration है, D is the critical concentration. If it is micronutrient, ध्यान से देखो, if it is micronutrient, then if the concentration is more than A, ये तो कम होती जा रही है, अगर more than A हो गई this is toxic concentration of micronutrient. दोबारा से बता रही हूं, it is more than A, then
it is toxic concentration of micronutrient for the plant. Is it right? Critical concentration. किसी भी एलिमेंट की क्रिटिकल कंसंट्रेशन दूसरे एलिमेंट के सेम नहीं होगी, ठीक है? क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इज डिफरेंट, स्पेशली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्योंकि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तो चाहिए ही बहुत अमाउंट में, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की स्पेशली अगर हम बात करें तो इनकी क्रिटिकल कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट है, राइट? देन जो टॉक्सिसिटी लेवल्स है, देयरफॉर हम कह सकते हैं टॉक्सिसिटी लेवल्स ऑफ डिफरेंट micronutrients will be different. किस लेवल पे वो एलिमेंट टॉक्सिक हो जाए ये और भी ज्यादा डिफिकल्ट है देखना, ठीक है? तो पहले ये लिखो फिर हम आगे करते हैं.